हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि देखिए आप सभी लोगों के कमेंट काफ़ी दिन से आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि सर, मेरे मेरा एकेडमी काफ़ी कम बन रहा है, तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये सवाल था, दूसरा कि कितना एकेडमिक हो तो आप सेफ इसको सेफ जोन में है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर काफ़ी कमेंट आ चुके हैं, काफ़ी दिन से 10-12 दिन से आ रहे हैं, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने कल चेक किया तो काफ़ी लोगों के यहाँ पे कमेंट पड़े हुए थे, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो है, इसको आप लोग अंत तक देखिएगा। और अगर आपके एकेडमिक कम है तो किस तरीके से तैयारी करें जिससे आप उसकी क्षति को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको यहाँ पर मान के चलना चाहिए कि कितना जो गुणांक है वो सेफ रहने वाला है। ठीक है, तो 73 से 74 मान के मैं अभी चल रहा हूँ। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हो जाता है तो मतलब मुश्किल है इससे ज़्यादा हो, लेकिन इससे कम कम भी नहीं होगा, लगभग इतने 73-74 ही रहेगा। ठीक है, ये जनरल का है और 72 से 73 आपका ओबीसी का है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, क्योंकि अभ्यर्थी एक से एक पड़े हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है, तो जनरल के लिए 73-74 और 73 से 72, ठीक है, 72 से 73 ये आपका ओबीसी है और 71 से 72 ये आपका एससी है। ठीक है, तो लगभग एक दूसरे से सट के ही चल रहे हैं, बस एक गुणांक का आप लोग कम रख लीजिए अपने। मैं जनरल के हिसाब से यहाँ पे बताऊंगा, आप लोग उसमें से अगर ओबीसी हैं तो एक गुणांक कम कर लीजिए, और अगर एससी में है तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 34 अगर आपका एकेडमिक बन रहा है तो जनरल कैटेगरी के लिए 100+ अगर आपके नंबर आते हैं तो आप लोग सेफ जोन में हो सकते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब करना क्या है, अब देखिए आपके लिए तो काफ़ी इजी हो गया, काफ़ी इजी। जिसका पहली बार 34, ये जो 4 जोन है 31 से 34 तक, ये काफ़ी सेफ जोन में है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे माने जाएंगे 31 से 34, क्योंकि इतने कम लोगों के यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे जिनके 31 से 34 के बीच में गुणांक होगा। ठीक है, इससे भी ऊपर भी एक दो लोग होंगे, ठीक है, थोड़े लोग होंगे। तो यहाँ पे 34 जिसका होगा उसको 35, 35 और 30, ये मैं मैथ साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर बाई चांस आप हिंदी से हैं या सोशल साइंस से हैं तो हिंदी में आपका 100 नंबर की हिंदी आएगी और 50 नंबर की जीएस आएगी। तो जीएस में आप चाहें तो जीएस में अगर आपको ऐसे करना है तो जीएस में आप बाई चांस 40 नंबर लाए हैं तो हिंदी में आप लोग कितने लाए, 110 के लिए, सॉरी 100 100+ के लिए, तो 60 नंबर ही आपको इधर लाने होंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी हो सकता है आपके लिए, इस तरीके से तैयारी इस तरीके से करें। लेकिन मेरे चैनल पे ज़्यादातर मैथ और साइंस वाले हैं तो उन्हीं को लेके यहाँ पर मैंने ये वीडियो एक तरीके से उन्हीं को लेके यहाँ पे बना दी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में आकर दिया, आप लोग समझ सकते हैं अगर सोशल साइंस या हिंदी से भी हों तो। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अगर 33 आपका है तो 102+ आपके लिए अच्छा स्कोर रहेगा, और जो जो आपके दो मेन सब्जेक्ट हों जो जिसपे आप अच्छा कर सकते हैं उसमें आपको कम से कम 35 35 नंबर लाने होंगे, और जिसमें कम आपकी मतलब जैसे कि जो बायो से हैं वो मैथमेटिक्स तो उनको करनी करनी है, तो मैथमेटिक्स में आपके अगर 32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बाकी में आपको 35 35 करने ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 32 वाले 105+, ठीक है, 31 वाले 107+, पहले ऐसे देख लीजिए, 30 वाले 110+, 29 वाले 112+, 28 वाले 115+, और 27 वाले 117+, और 26 वाले 120+। ठीक है, तो 26 तक वाले जो है वो लोग अपनी तैयारी मतलब वो लोग अपना मान सकते हैं कि वो तैयारी अच्छे से करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, 120 तक लाए जा सकते हैं नंबर। ठीक है, लेकिन जो सेफ जोन जहाँ तक मान सकते हैं तो सेफ जोन में तो आप लोग सबसे ज़्यादा तो सेफ है 31 से ऊपर वाले, और फिर 29 और 30 ये है, ये आपका एवरेज है। ठीक है, इससे 28 29 30 ये आपका एवरेज है। ठीक है, एवरेज में आपके 28 29 30 आते हैं, ये थोड़े से नीचे में आते हैं 26 और 27। ठीक है, लेकिन ये वाले भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर इससे कम भी आपका एकेडमिक है तो भी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, उसमें भी आप लोग आपको इस चीज़ का काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, और बाई चांस आपका ये भी नहीं है कुछ गुणांक में फेरबदल हुआ या पेपर कठिन या सरल हो गया तो उस हिसाब से हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप लोग विभाजन कर सकते हैं। अगर बाई चांस 30 आपका बन रहा है तो 2 में आप 35 35 नंबर लाइए, और जो एक स्ट्रांग हो उसमें आपको 40 नंबर यहाँ पे लाने होंगे। तो इस तरीके से आपको कम से कम यहाँ पे तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो एक ये तो रही आपके एकेडमिक की बात कि इतने कितना एकेडमिक हो तो आप सेफ जोन में रहेंगे। फिर रही बात तैयारी की, तो मैथ और साइंस वाले हैं मेरे चैनल पे, तो मैथ साइंस और सोशल साइंस वाले के लिए यहाँ पर देखिए जो तैयारी का तरीका है वो मैंने यहाँ पर काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, लेकिन यहाँ पे आपको लिख के मैंने इसलिए बता दिया कि जिससे आपके लिए क्लियर हो जाए। वन लाइनर
नाइन्थ एंड टेंथ की बुक आपकी साइंस के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये 6 लेयर यहाँ पर एक तरीके से बन रही हैं आपकी, और जो आपकी परीक्षा होनी है वो आपकी होनी है लगभग 20 से 25 जुलाई की तरफ, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए जो यूपी टेट का पेपर है उसके लिए जो आवेदन है वो आपके 15 जून से जहाँ तक लिए जाएंगे उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उम्मीद भी है कि 15 जून से उसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और अगस्त के स्टार्टिंग में उसकी परीक्षा की जा सकती है। तो जो जूनियर शिक्षक भर्ती है वो उम्मीद है कि उससे पहले ही करवाई जाएगी। तो आपकी 20 से 25 जुलाई तक आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती करा ली जाएगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग 50 दिन है हमारे पास, ठीक है। 50 दिन के हिसाब से हमारे पास काफ़ी मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है। काफ़ी मटेरियल हमें कंप्लीट करना है, जैसे साइंस में वन लाइनर, फिर नाइन्थ एंड टेंथ न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसी तरीके मैथमेटिक्स में टॉपिक वाइज वीडियोस जो है थोड़ी ही बची हैं, दो चार चैप्टर बचे हैं मुश्किल से, फिर नाइन्थ और टेंथ, ठीक है, फिर मॉडल पेपर, फिर प्रैक्टिस सेट। सोशल साइंस में 6 to 10 सोशल साइंस जो एससीईआरटी है, वन लाइनर, एमसीक्यू, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इतनी लेयर में अगर करनी हो तो काफ़ी यहाँ पे वीडियोस आपके सामने लानी पड़ेंगी। और रही बात 50 दिन में इनको कवर करने के लिए, तो जो अभी एक या दो वीडियो आ रही हैं वो कम्प्लीट, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी वन लाइनर भी आए एक ही दिन में, और नाइन टेंथ की भी एक आए और एक न्यूमेरिकल की आए, कि तीन आपकी साइंस की आए, ठीक है। टॉपिक वाइज एक आए, एक नाइन टेंथ से आए, दो इसमें से आए और दो कम से कम इसमें आए। तो हो सकता है फ्यूचर में आपके सात सात वीडियोज आपको एक दिन में मिले हो। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, अगर इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये मॉडल एक तरीके से आपको दिखाया है कि इतने लेयर में यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। इसमें कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, तो जो जितना भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें, ठीक। तो इस तरीके से कराने की कोशिश करेंगे, और जो लोग तैयारी करना चाहेंगे वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्द ही इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने ये इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि फ्यूचर में, और टाइम कुछ भी नहीं है क्लास का लगभग, लेकिन मैं जब लगातार ज़्यादा चीज़ों को स्टार्ट करूंगा तो उम्मीद करता हूँ कि जो टाइमिंग है वो मैं पहले से ही मतलब आप लोगों को बता दूंगा कि किस टाइम पर कौन सी वीडियो आपकी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की तैयारी हो सकती है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कि कितना गुणांक आपके लिए सेफ है, और अगर कम भी गुणांक है तो भी आप लोग अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और बाई चांस ऐसा होता है कि आप लोग टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म भरे हैं और जूनियर का भी भर रहे हैं, तो अगर बाई चांस आपके आपको लग रहा है कि आपका गुणांक कम है और आप टीजीटी में अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है वो जूनियर से तो टफ ही आना है। अगर आपके गुणांक कम भी हैं तो भी आप लोग इसी की तैयारी करें, ठीक है। मेरी तरफ से तो यही राय है कि इसी इसकी तैयारी करिए आप लोग, मतलब अपनी जूनियर टीचर वैकेंसी की। इसकी तैयारी करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसमें भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में भी कभी बाद में विस्तार से बात कर लेंगे। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रही बात है कि इस चीज़ को तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस भर्ती में एकेडमिक अंकों का महत्व समझे, तो एकेडमिक का जो महत्व है वो जितना जूनियर वैकेंसी में है उतना प्राइमरी में नहीं है। प्राइमरी में 20 और 22 वाला भी जिसका होता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें वैकेंसी होती है 50,000, 55,000, 90,000 ऐसे, ठीक है, 69,000, 68,000 इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 1504 वैकेंसी है, ठीक, सिर्फ 1504, ये शब्द इस पे ध्यान दीजिए, 1504 है। उसको भी तीन बार पार्ट में विभाजित कर दिया है, गणित और विज्ञान वर्ग, भाषा वर्ग और सोशल साइंस, ठीक है। तीन में यहाँ पर अगर 500 500 मान लीजिए तो समझ लीजिए क्या 500 लोग ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छा गुणांक होगा, ठीक है। तो इस गुणांक का काफ़ी असर पड़ेगा, इसलिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एकेडमिक का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं है कि यहाँ पर एकेडमिक को कोई भी इंसान यहाँ पर एकेडमिक जो है आपका उसको इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और इस चीज़ को मन में मत लाइए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस आप लोग अपनी तैयारी करते जाइए, जितनी अधिक से अधिक आप लोग अपना मतलब जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट देने की कोशिश करें, और अधिक से अधिक आप लोग मेहनत करने की कोशिश करें। जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे आपको कई फायदे होंगे। एक तो आपका लय बन जाएगी पढ़ाई की, ठीक है। ये लय बनाना इसलिए ज़रूरी, ये समझ लीजिए आपने अगर जूनियर शिक्षक भर्ती बाई चांस आपका नहीं निकला तो आपकी एक लय बन चुकी होगी, जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है आपका अक्टूबर से नवंबर तक उसका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपकी जब लय बनी होगी तो चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी आगे जारी रख सकते हैं प्राइमरी में। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इस
इस वैकेंसी और उस वैकेंसी में लगभग सेम होगी, तो उतना सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करें, ठीक। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।